आइए आइए अंदर आइए, ये मेरे बेटे हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम्म, वो इनके बेटे थे? हाँ, एकदम बदमाश। तुम पहले कमलेश जी को काबू में करो, फिर इन दोनों को, और ये दोनों तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देंगे। मैंने जो पहले गलतियां की हैं वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, मैं उन्हें अपने मुट्ठी में रखूंगी। वैसे हम एक बाबा को जानते हैं जो तांत्रिक विद्या जानते हैं, हमने भी उनसे राख की पुड़िया लाई थी, हम तुम्हें भी उनके पास लेके जाएंगे। वही जो वशीकरण करते हैं? नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे अपने तरीके से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़े तो बताना जरूर। अबे नालायको, नमस्ते बोल देते तो तुम्हारा क्या जाता? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैंने शादी की है। शादी की है तो क्या हुआ, वो हमारी माँ नहीं हो सकती। तो कौन कह रहा है उनको माँ बोलने के लिए? लेकिन अगर थोड़ी इज्जत दे देते तो तुम लोग का कुछ खिंच जाता, यही समझ लेते हमारी गर्लफ्रेंड है। हाँ ये समझ सकते हैं। देखो अगर हमारे साथ रहना है ना तो ये समझना ही पड़ेगा, आगे से ऐसा ना हो, समझे ना। चलो अब हम चलते हैं, कमलेश जी आने वाले होंगे, तुम उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताना। कुछ नहीं बताऊंगी। कमलेश जी। हाँ जी है माँ जी, बोलिए। हमारा इनाम किधर है? आपका इनाम रूम में रखा है, आप चलिए हम अभी आते हैं। Thank you.